नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं गांव किसान। दोस्तों ये वीडियो आप YouTube के साथ साथ मेरे Facebook पेज गांव किसान पे भी देख पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं मार्च महीने में आप किन किन फसलों की खेती करेंगे जिससे कि आपको काफ़ी मुनाफा होगा। पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा सबसे पहले। तो दोस्तों इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे आपको बताते हैं मार्च महीने की वो फसलें जिनकी बुआई करके आप अच्छा खासा फायदा ले सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, फरवरी की बुआई के बाद अब मार्च माह में बुआई करने की बारी है। किसान भाई अगर सही समय पर सही फसल की बुआई करेंगे तो यह तय है कि उन्हें उपज भी अच्छी मिलेगी। जब सही सीजन में मांग के मुताबिक सही उत्पाद मार्केट में आएगा तो किसानों की बिक्री भी बढ़ेगी और उनको मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। अगर किसान भाई सब्जी की बुआई करने वाले हैं और चाहते हैं कि सही समय पर अच्छी पैदावार मिले तो फसल का चुनाव उसी के मुताबिक करना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको इसी संबंध में जानकारी देने वाले हैं कि किसान भाई मार्च के महीने में किन फसलों की खासकर सब्जी फसलों की बुआई करें जिससे कि आने वाले मौसम में उनको बाज़ार में उस फसल की अच्छी कीमत मिल सके और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि किसान भाई किन फसलों की बुआई करें इस मार्च महीने में। तो जो सबसे पहली फसल है वो है ककड़ी। अगर किसान भाई इस महीने ककड़ी की बुआई करते हैं जो कि काफ़ी आसानी से हो सकती है, जहां पहाड़ी क्षेत्र हैं इसकी बुआई इस महीने में की जाती है। मध्य भारत में किसान फरवरी जून में से लगाते हैं, साथ ही दक्षिण भारत में जनवरी मार्च तक इसकी बुआई चलती है। इसका सेवन खासतौर पे कच्ची अवस्था में सलाद के रूप में किया जाता है। गर्मियों में इसके सेवन से पेट को ठंडक मिलती है और लू लगने की संभावना कम हो जाती है। इसकी खेती गर्म और शुष्क जलवायु में अच्छी प्रकार की जा सकती है। अगर किस्मों की बात करें तो अर्का शीतल, लखनऊ अर्ली, नसदार, नसरहित लंबा हरा और सिक्किम ककड़ी प्रमुख किस्में हैं। अगर दूसरी हम सब्जी फसल की बात करें तो वो है भिंडी। किसान भाई भिंडी की खेती जो मार्च और फरवरी से में कर सकते हैं, वो अगेती किस्म लगाई जाती है भिंडी की। यह खेती किसी भी मिट्टी में की जा सकती है। खेती के लिए खेत को 2 से 3 बार जोतकर अच्छी तरह भुरभुरी कर लेने चाहिए और पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। बुआई कतार में करनी चाहिए। बुआई के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करके सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर भिंडी की उन्नत किस्मों की बात करें तो हिसार उन्नत, VRO6, पूसा A4, परभनी क्रांति, पंजाब 7, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार, अर्का अभय, हिसार नवीन आदि जो भिंडी की उन्नत किस्में हैं इनकी बुआई करके अच्छी उपज ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अगर तीसरे नंबर की सब्जी की फसल की बात करें तो करेला। करेला कई बीमारियों के लिए लाभदायक है। इसकी मांग जो है बाज़ार में हर समय रहती है। गर्मियों में तैयार होने वाली इसकी फसल बहुउपयोगी होती है। किसान इससे अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। करेले की फसल पूरे भारत में कई प्रकार की मिट्टियों में उगाई जा सकती है। वैसे इसकी अच्छी वृद्धि और उत्पादन के लिए अच्छे जल निकास युक्त वाली जीवाश्म दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अगर हम करेले की उन्नत किस्मों की बात करें तो पूसा हाइब्रिड, पूसा दो मौसमी, पूसा विशेष, कल्याणपुर प्रिया को फर्स्ट, कोयम्बटूर लॉन्ग, कल्याणपुर सोना, बारामासी करेला, पंजाब करेला, पंजाब 14, सोलेन हरा, सोलेन बारामासी आप जो करेले की किस्में हैं काफ़ी अच्छी हैं। किसान भाई इनकी बुआई करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अब जो अगली जो सब्जी फसल है वो है लौकी। लौकी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, साथ ही विटामिन्स भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। इसकी खेती पहाड़ी इलाकों से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक में की जा सकती है। इसके सेवन से गर्मी दूर होती है या पेट संबंधी रोगों को दूर भगाती है। इसकी खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। सीधे खेत में बुआई से पहले बीजों को 24 घंटे पानी में भिगोकर रखा जाता है। बीजों के अंकुरण प्रक्रिया गतिशील हो जाती है, इसके बाद ही बीजों को खेतों में बोया जा सकता है। अगर किस्मों की बात करें तो पूसा संदेश, पूसा समृद्धि और पूसा हाइब्रिड, नरेंद्र रश्मि, नरेंद्र शिशिर, नरेंद्र धारीदार, काशी गंगा, काशी बहार आदि उन्नत किस्में जो हैं वो लौकी की उपयुक्त मानी गई हैं और इनकी बुआई कर किसान भाई अच्छा खासा उपज के साथ साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं। अगली जो फसल है वो है खीरा। खीरे की तासीर ठंडी होती है, यही वजह होते हैं कि लोग इसको गर्मियों में ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिससे अपने
आपको गर्मी से बचा सकें। इसका सेवन पानी की कमी को दूर करता है। देश के कई क्षेत्रों में इसकी खेती प्राथमिकता के तौर पर की जाती है। इसकी खेती के लिए सर्वाधिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम हो 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। साथ ही अच्छे विकास के लिए तथा फल फूल के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट या दोमट भूमि जल निकास के लिए बेहतर मानी जाती है। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो जापानी लॉन्ग ग्रीन, चयन, स्ट्रेट या एट, स्वर्ण पूर्णिमा, पूसा उदय, पूसा खीरा, पंजाब सिलेक्शन, पूसा संयोग, पूसा बरखा, खीरा 90, कल्याणपुर हरा खीरा, कल्याणपुर मध्यम खीरा 75, स्वर्ण पूसा, स्वर्ण शीतल आदि जो खीरे की उन्नत किस्में हैं, इनकी बुआई कर किसान भाई काफ़ी अच्छा फायदा ले सकते हैं। अब बात करते हैं पालक की। किसान भाई बलुई दोमट मिट्टी में इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही मिट्टी की पलेवा कर जुताई कर खेत को तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद खेत को समतल करके और किसान भाई पालक को कतार में बुआई कर सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा ज्योति, बनर्जी जॉइंट, हिसार सिलेक्शन 23 पंत कंपोजिट फर्स्ट पालक नंबर 5116, तो ये सभी जो किस्में हैं पालक की उन्नत किस्में हैं। किसान भाई इनकी बुआई कर अच्छा खासा फायदा ले सकते हैं। अब बात करते हैं बैंगन की। किसान भाई इस महीने बैंगन की खेती कर सकते हैं। इसके लिए जल निकास वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। खेत के एक हेक्टेयर में 4 से 5 ट्राली गोबर की खाद का इस्तेमाल किसान भाई कर दें, जिससे कि इसकी पैदावार अच्छी हो। और गोल बैंगन के साथ लंबे बैंगन की बुआई भी की जा सकती है। अगर बैंगन की उन्नत किस्मों की बात करें तो लंबे बैंगन में पूसा परवल क्लस्टर, पूसा क्रांति, पूसा पर्पल, लॉन्ग पंत सम्राट, पंजाब सदाबहार आदि जो लंबे बैंगन की किस्में हैं। अगर गोल बैंगन की बात करें तो H4P8, पूसा अनमोल, पूसा पर्पल राउंड पंत, ऋतुराज, PB912 आदि जो किस्में हैं वो गोल किस्में हैं। अगर संकर किस्मों की बात करें तो अर्का नवनीत, पूसा हाइब्रिड आदि किस्में इसकी जो हैं संकर किस्में हैं। तो दोस्तों इन सब्जी फसलों की बुआई करके किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। फिर मिलूंगा, नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा सबसे पहले। तो दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।